चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 45। एक्चुअली अगेन ऑन पेज नंबर 45, एग्जांपल नंबर 18। सो लेट्स सी क्या है एग्जांपल में। वी नीड टू फैक्टराइज आवर टू डिफरेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें फैक्टराइज करना है। और इससे पहले ही हमने देखा है कि हमारा ये जो टॉपिक है ये आइडेंटिटीज वाला स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जितना भी मुझे कोई भी क्वेश्चन को अगर करना है, फैक्टराइज करना है, तो आई नीड टू यूज दी आइडेंटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, आपको क्वेश्चन करवाने से पहले एक आइडेंटिटी में लिख देती हूँ, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से मैं इस एक्सपैंडेड फॉर्म को वापस अपनी शॉर्ट वाली आइडेंटिटी में बदलूंगी। ठीक है, सो लेट्स सी हियर। वैसे तो आपको काफी हद तक ये दिख रहा होगा कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, कुछ ए स्क्वायर, कुछ बी स्क्वायर और उसके बाद बीच में उसका प्रोडक्ट है, यानी कि दोनों। और आप देख ये भी देख सकते हो कि हर जगह पॉजिटिव साइन है, तो मतलब मेरे पास जो है ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर वाली कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है। ठीक है, सो लेट्स से अगर मैं इस आइडेंटिटी को हम रिवाइज करें, सो व्हाट इज द आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर मैं इसे अपने क्वेश्चन से मैच करती हूँ, तो मैं बिल्कुल क्लियरली इस तरीके से अपने क्वेश्चन को क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, सो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप से कहने का मतलब है कि मिडिल स्टेप को नहीं हिलाना। सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम अपनी एक्सट्रीम दोनों पोजीशन की जो टर्म्स है उनके साथ पहले काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 49 यानी कि 7 का स्क्वायर। सो प्रोसीडिंग विद द फर्स्ट स्टेप, क्या हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर हुआ है। 7 के साथ किसका स्क्वायर हुआ है, a हमारा टर्म है, तो 7a। तो यानी कि शायद मुझे, मतलब काफी हद तक मैं ये बोल सकती हूँ कि भाई मुझे मेरा फर्स्ट टर्म तो मिल चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मिडिल टर्म को थोड़ी देर के लिए ब्लैंक छोड़ देते हैं। अभी हम उसको कम्प्लीटली 2xy की टर्म में क्रिएट नहीं करेंगे। Why? क्योंकि मेरे पास अभी लास्ट टर्म क्या आने वाला है b के साथ, आई एम नॉट श्योर। तो जब तक हम श्योर नहीं है तब तक हम मिडिल टर्म क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट्स से हमने इसका मिडिल पोर्शन छोड़ दिया। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 25, मतलब कि 5 का स्क्वायर बन रहा है, साथ में ये जो हमारे पास एक वेरिएबल है उसका भी स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा सेकेंड टर्म भी मुझे पता चल चुका है, दैट इज इक्वल्स टू 5b। अब अगर हम a स्क्वायर और b स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर या फिर x प्लस y का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले को तोड़ते हैं, तो हमें पता है कि दोनों का तो स्क्वायर होना ही है, एक फर्स्ट एक लास्ट पोजीशन पे, बीच में 2 मल्टीप्लाई होगा दोनों सेम टर्म से। ठीक है, सो दैट मींस अगर हम बिल्कुल ध्यान से अपनी टर्म्स को लिखें, मेरे को टर्म मिल चुका है 7a, नेक्स्ट टर्म मेरे को मिल चुका है 5b। सो यहाँ पर 7a और 5b का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर आप इसे करके देखोगे तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें वेरिफिकेशन भी हाथों हाथ हो जाएगा कि भाई हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है या नहीं। तो 7 × 5 = 35, 35 × 2 = 70। सो वी आर गेटिंग 70, और a और b तो हमें मिल ही गया है, दैट मीन्स वी आर गेटिंग 70ab। तो हमारे पास क्या आ गया है, क्वेश्चन हमारा काफी हद तक हो चुका है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर हमें कंफर्म हो चुकी है कि वो 7a है, सेकेंड टर्म हमें कंफर्म हो चुकी है कि वो 5b है, और उसका होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पे लगाई गई थी। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन को, आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और इफ यू वांट टू, इसे अगर आप थोड़ा सा अलग अलग करके अपने फैक्टर्स को लिखना चाहते हो, तो एक लास्ट स्टेप में आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 7a प्लस 5b इज वन ऑफ दी फैक्टर, द नेक्स्ट फैक्टर इज सेम 7a प्लस प्लस 5b। अब यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर्स क्यों है, क्योंकि हमारे पास जितने भी पॉलिनोमियल्स को हमें यहाँ पे काम करने के लिए दिया गया है, दे हैव दी हाईएस्ट पावर एज 2। सो ऑब्वियसली हमारे पास दो ही फैक्टर्स आने वाले हैं, सो दीज आर दी टू फैक्टर्स विच इज इक्वल टू 7a प्लस 5b, अदर वन इज ऑल्सो 7a प्लस 5b। ठीक है, सो हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, कि किस तरीके से मैंने एक्सपैंडेड फॉर्म से अपनी आइडेंटिटी को वापस क्रिएट किया है। ठीक है, तो उल्टा क्वेश्चन हमें बेसिकली इसमें दिया गया था। नाउ वी आर मूविंग टू
towards the second part. Let's see, यहाँ पर भी आपको identity clearly दिख जाना चाहिए क्योंकि what we are going to do. अगर आप इसको अभी तक नहीं भी decode कर पा रहे हैं तो आपको क्या सोचना है कि भाई x square और y square तो हो रहा है, a square minus b square या फिर x square minus y square वाली identity हमने पढ़ी है, कैसे उसे expand करते हैं, एक बार उसे भी लिख लेते हैं. So if we are going to use a square minus या फिर x square में लिखते हैं, x square minus y square वाली अगर identity हम use करते हैं तो इसे कैसे expand करा जाता है, x plus y, x minus y. So that means कि कहीं ना कहीं पे हमारी जो identity है कि थोड़ा इसी से match कर रही है, ठीक है. So let's now decode कि ये दोनों numbers को, ये जो 25 by 4 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 9 है और ऊपर अगर कुछ भी नहीं है दैट मींस क्या है वहां पर 1 है, ठीक है. सो हमें डीकोड ये करना है कि भाई इन नंबर्स को हमें कैसे ब्रेक करना है. सो नाउ लेट्स प्रोसीड. हमारे पास 25/4 यानी कि ऊपर तो 5 का स्क्वायर है और नीचे 2 का स्क्वायर है, साथ में x का भी स्क्वायर हो रहा है. सो फर्स्ट टर्म जो मेरा यहाँ से आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी 5/2x का होल स्क्वायर, ठीक है. Then what we are going to do? अब हमें पता है कि ऊपर हमारे पास y के सिवा कुछ नहीं है, that means 1/9 हो सकता है. So 1 का स्क्वायर भी अगर हम करेंगे, अंडर रूट भी हम करेंगे, हमेशा 1 ही आना है हमारे पास. और 9 किसका स्क्वायर है? So 9 हमारा 3 का स्क्वायर है. So हमारे पास चलो नंबर्स तो आ गए. अब यहाँ पर y का भी स्क्वायर हुआ है, so y को भी ऐसे लिख देते हैं. So हमारा नेक्स्ट टर्म आ गया 1/3 into y, या फिर आप बोल सकते हो y/3, ठीक है. अब आप इसे कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, अब आपको ये क्लियरली दिख रहा है, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, या फिर इफ यू वांट टू से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है. तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टर्म है, अगर मैं अपने फॉर्मूले के साथ जाऊं, मेरा फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म x है, तो पूरे उस फर्स्ट टर्म की जगह पे यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म क्या मिला है, 5/2x. सिमिलरली हमें सेकेंड टर्म, इस y स्क्वायर की जगह पे हमें क्या मिला है, 1/3 into y, ठीक है. सो इसलिए मैं कई बार a और b में टर्म्स में आपको फॉर्मूला बताती हूँ, कई बार आप p और q में इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको इस कॉन्सेप्ट से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि x है यहाँ पर तो कोई दूसरा x है. सो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है. आप जिस भी वेरिएबल के साथ चाहते हैं, ये x मतलब है कि इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इट कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी एनी टर्म लाइक दिस, फाइन. चलो तो अब हमारे पास क्या है, x square minus y square का फॉर्मूला है, which is going to be first term add होगा second term के साथ, फिर वही first term subtract हो जाएगा second term से, ठीक है. तो हमें बिल्कुल इस तरीके से अपनी terms को लिखना है, फाइन. तो चलिए अब लिख के देखते हैं इसे. सबसे पहले first term add होगा हमारे next term के साथ, तो हमने अपना पहला expression लिख दिया, उसके बाद क्या आने वाला है, ये फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्शन विद द नेक्स्ट टर्म. सो दिस इज आर गोइंग टू बी द फैक्टर्स, यानी कि हमारे इस पूरे क्वेश्चन में ये जो हमने इस पार्ट को अटेम्प्ट किया है, व्हाट आर द फैक्टर्स जो हमें फाइनली इसको अटेम्प्ट करके या फैक्टराइज करके आए हैं, दैट गोइंग टू बी 5/2x प्लस y/3. द नेक्स्ट फैक्टर इज 5/2x माइनस 5/3, फाइन. So I hope you have understood this part. Now we are moving towards our next example. Up till then, keep learning, keep watching. Bye.